हेलो थर्ड क्लास, दिस इज योर मैथ सब्जेक्ट चिल्ड्रन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर 8। एज यू कैन सी, दिस इज योर मैथमेटिक्स बुक। ओपन इट नाउ। नाउ हियर यू कैन सी रिवीजन एक्सरसाइज। फर्स्टली यू हैव टू डू दिस रिवीजन एक्सरसाइज सो दैट द वर्क डन बिहाइंड यू इज प्रैक्टिस्ड। नाउ कम्स नेक्स्ट पेज। सो एक्सप्रेस्ड मनी इन वर्ड्स एंड फिगर्स। सो वी नो दैट हमारी जो इंडिया में करेंसी जो चलती है बेटा, मनी जो होती है वो नोट या क्वाइंस में होती है। सो दीज आर नोट एंड दिस इज क्वाइन। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे 50 रुपीज का नोट है, 2 रुपीज का नोट है। सो टोटल हमारे 52 रुपीज हो गए एंड पैसे हमारे 50 पैसे हैं। सो इफ वी राइट इन वर्ड्स, सो हाउ वी राइट। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं 52 रुपीज एंड 50 पैसे इन वर्ड्स हम इस टाइप में लिखेंगे। एंड इफ वी राइट इन फिगर्स, सो यू सी हेयर फर्स्टली हम यूज करेंगे सिंबल ऑफ रुपीज। दिस इज सिंबल ऑफ रुपीज। ओके, देन 52.50 इन फिगर, हम फिगर में ऐसे लिखेंगे। सो यहाँ पर बेटा रुपीज 52 एंड 50 जो है बेटा डॉट के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे रुपीज होते हैं एंड डॉट के राइट हैंड साइड पे हमारे पैसे होते हैं। एंड जो डॉट है बेटा वो रुपीज एंड पैसे को सेपरेट करती है। ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट पेज, कन्वर्शन ऑफ रुपीज एंड पैसे। सो इन दिस एक्सरसाइज वी कन्वर्ट रुपीज एंड पैसे। सो फर्स्टली आप देखेंगे कन्वर्शन ऑफ रुपीज इंटू पैसे। सो वी नो दैट 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। सो फर्स्टली हम रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। सो उसके लिए क्या करेंगे हम, वी मल्टीप्लाई द अमाउंट इन रुपीज बाय 100। जो हमें अमाउंट दिया होगा रुपीज का उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन कन्वर्ट रुपीज एंड पैसे इंटू पैसे। पैसे में कन्वर्ट कर देंगे, हमें रुपीज एंड पैसे गिवन होंगे तो। ओके, देन रिमूव रुपीज, हम रुपीज का जो सिंबल होगा उसको रिमूव करेंगे एंड द डॉट राइट पी फॉर पैसे एट द एंड, और डॉट का यूज करेंगे एंड एंड में हम क्या लिखेंगे, पैसे। सी द एग्जाम्पल ए पार्ट रुपीज 35। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे बेटा, 35 को जो हमारे रुपीज हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर हम जो सिंबल है रुपीज का उसको रिमूव करेंगे एंड लास्ट में हमारे पैसे लिखेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 3500 पैसे। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे रुपीज 29.05। सो यहाँ पर हमारे 29.05 रुपीज हैं। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, रुपीज को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रुपीज हमारे 29 है, सो 100 से मल्टीप्लाई किया, सो इसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया हमने मल्टीप्लाई करके। सो ये हो गए हमारे 2900 पैसे एंड 5 पैसे भी प्लस करने हैं। सो हमारे आंसर आ गया बेटा 2905 पैसे। ओके, नाउ कम्स कन्वर्शन ऑफ पैसे इंटू रुपीज। सो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, वी डिवाइड द अमाउंट इन पेयर्स बाय पैसे बाय 100। जो हमारे पैसे हैं उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे एंड जो क्वोशेंट आएगा डिवाइड करने के बाद वो हमारे रुपीज होंगे एंड जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारे पैसे होंगे। ओके, एंड कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज, देन रिमूव पी, हम पी को रिमूव करेंगे एंड पुट अ डॉट आफ्टर 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। आप एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर ए पार्ट 355 पैसे है। सो इसके को हमने कन्वर्ट करना है रुपीज में। सो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, 355 को डिवाइड कर देंगे एंड फर्स्टली हम सिंबल यूज करेंगे रुपीज का। सो ये हमारे रुपीज में कन्वर्ट हो गया। नाउ डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे जो हमारा क्वोशेंट आएगा वो हमारे रुपीज होंगे एंड जो हमारा रिमाइंडर आएगा 55 है रिमाइंडर, सो 55 इज आवर पैसे। सो हम इसको लिखेंगे रुपीज 3.55, डॉट की फॉर्म में लिखेंगे हम इन्हें। ओके, नाउ कम स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 8.A। ए पार्ट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, 7 रुपीज 5 पैसे इज सेम एज। सो 7 को हम फर्स्टली हम सिंबल यूज करेंगे रुपीज का, देन 7 रुपीज है हमारे एंड 5 पैसे हैं। सो 5 पैसे को हम कैसे लिखेंगे, डॉट के बाद 0.5। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 500 पैसे। सो इसको हमें कन्वर्ट करना है रुपीज में। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे पैसे को। सो आवर आंसर इज ₹5। फर्स्टली वी यूज सिंबल ऑफ रुपीज, देन 5। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम्स नेक्स्ट,
बी पार्ट सॉल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन फिगर. सो आपको ये फिगर में लिखने हैं. सो ए पार्ट इज 45 रुपीज एंड 80 पैसे. सो आप कैसे लिखेंगे बेटा? यू सी हेयर, फर्स्टली सिंबल यूज करेंगे, देन 45.80. ओके, नाउ बी पार्ट आप देखेंगे. बी पार्ट में आपका क्या है? 63 रुपीज एंड 19 पैसे. सो फर्स्टली सिंबल यूज करेंगे रुपीज का, देन 63.19. ओके, नाउ सी पार्ट, 10 रुपीज एंड 80 पैसे. सो 10 रुपीज फर्स्टली सिंबल यूज करेंगे रुपीज का, देन 10.08. नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2. सी इन योर बुक, राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स. सो आपको इन्हें वर्ड्स में कन्वर्ट करना है. सो ए पार्ट इज ₹28.65. सो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे बेटा? 28 रुपीज एंड डॉट के प्लेस पर हम एंड यूज करेंगे, एंड 65 पैसे. डॉट के बाद हमारे क्या होते हैं? पैसे होते हैं. सो 65 पैसे. नाउ बी पार्ट, ₹40.08. सो इसको हम लिखेंगे बेटा 40 रुपीज एंड 80 पैसे. नाउ सिमिलरली यू हैव टू राइट ऑल क्वेश्चंस. नाउ कम्स नेक्स्ट बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3. सीनियर बुक, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू पैसे. सो आपको इन्हें आपको रुपीज दे रखे हैं, पैसे में कन्वर्ट करना है. सो ए पार्ट इज ₹6. सो 6 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, एंड हम रुपीज रिमूव करेंगे, एंड लास्ट में हम क्या यूज करेंगे? पैसे. सो 6 × 100 = 600 पैसे. नाउ बी पार्ट, ₹18. सो 18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1800 पैसे. नाउ सेम सी पार्ट, यू डू योर सेल्फ. नाउ सी डी पार्ट, ₹14.25. सो फर्स्टली हम इन्हें सेपरेट करेंगे रुपीज एंड पैसे को. सो 14 रुपीज प्लस 25 पैसे है यहाँ पर. सो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 14 × 100 = 1400 पैसे. नाउ प्लस करेंगे 25 पैसे. सो आवर आंसर इज 1425 पैसे. नाउ सेम यू हैव टू डू अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपीज. तो आपको यहाँ पर बेटा पैसे गिवन है, आपको इन्हें रुपीज में कन्वर्ट करना है. सो ए पार्ट इज 7090 पैसे. सो यहाँ पर आप देखेंगे पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड 100 करते हैं. सो यहाँ पर हमने डिवाइड 100 किया. सो हमारा जो क्वोशेंट होगा उसको हम रुपीज लिखेंगे, एंड जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा पैसे होंगे. सो यहाँ पर हम यूज करेंगे सिंबल ऑफ रुपीज, देन 70 रुपीज हमारे आ गए, डॉट 90 पैसे हो गए. नाउ सी बी पार्ट, 625 पैसे. सो रुपीज हम यूज करेंगे सिंबल. नाउ 625 को डिवाइड करेंगे 100 से. सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा ₹6.25. नाउ सेम यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ चिल्ड्रन, योर एक्सरसाइज इज ओवर. योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. थैंक यू स्टूडेंट.